हेलो नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन का आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो आर्टिकल आया है सबसे पहला, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक तो ये फेसबुक के बारे में आर्टिकल है कि फेसबुक में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा इशू जानेंगे कि क्या इशू है और क्या डाटा प्रोटेक्शन का सीन है। इसके बाद में यहाँ पे हम अगला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आर्टिकल है इसको डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस करने की बात की है। इसके साथ जो पावर ग्रिड है उसके बारे में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके बारे में जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये आर्टिकल है इसमें एक्चुअली SC ST के बारे में डिस्कस किया है, तो इसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल आता है वो यहाँ पे आता है, ये आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी ट्रैक पे आई नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम कम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से इसको हम पूरा डिस्कस वो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आर्टिकल वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि फेसबुक के बारे में जो भी इश्यूज है वो, देखो इश्यू क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या अभी कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हुई है, फेसबुक का क्या सारा सीन चल रहा है। बात ऐसी है कि एक कंपनी जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिक, ये आपको जानना है, कैम्ब्रिज एनालिटिक का एक कंपनी है। इसने क्या किया था, इसने फेसबुक का डाटा है ना उसको एक एप्लीकेशन में यूज़ किया। उस एप्लीकेशन का नाम है दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ। तो ये एक एप्लीकेशन बनाया था उस कंपनी ने, दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ, और इस एप्लीकेशन में क्या किया उसने, फेसबुक का डाटा है वो यूज़ किया। जबकि आपको पता है कि कोई ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी उसको, उन्होंने गलत तरीके से डाटा को चोरी करके इसका यूज़ किया। और ये जो एप्लीकेशन था इसने क्या किया, इस एप्लीकेशन का काम क्या था, इस एप्लीकेशन ने काम ऐसा किया कि एक तरीके से कैंपिंग वगैरह, जैसे पोल जब भी इलेक्ट्रोल पोल वगैरह होते हैं उस तरीके से उन्होंने क्या कैंपिंग वगैरह की, और उस डाटा का अगर मिसयूज़ हो सकता है, देखो अभी मिसयूज़ हुआ नहीं है, मिसयूज़ होने के चांसेज हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से डाटा है वो चोरी किया फेसबुक से, तो उस बात को लेकर सारा इश्यूज है वो बवाल है वो उठाता। तो यहाँ पर इश्यूज आता है वो आता है बिहेवियर माइक्रो टारगेटिंग का। ये क्या है इसका, देखो आप बहुत बेसिक से एग्जांपल ये समझ सकते हो कि जब भी हम मॉल वगैरह में जैसे हैं, जैसे कोई भी आप मॉल वगैरह में जो बिग बाज़ार वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है, काउंटर के पास चॉकलेट या छोटी छोटी अट्रैक्टिव चीज़ें रखी हुई होती हैं ताकि हम लोग उन चीज़ों को, अगर जैसे वेटिंग में खड़े हैं कि हमें बिल करवाना उसे, तो हम क्या करते हैं उन चीज़ों को देखते हैं कि चले ये भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ ये चीज़ काम आ जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या कि लोगों को बिहेवियर को टारगेट करके वो वहाँ पर काउंटर वो लगाए जाते हैं, मतलब काफ़ी सोच समझ के वो रणनीति होती है, उसके तहत उनको सारे जो टारगेट्स वगैरह काउंटर वगैरह उनको अरेंज किया जाता है। तो उसमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इस कंपनी ने जो एप्लीकेशन बनाया था दिस इज योर डिजिटल ऐप, इस एप्लीकेशन के तहत क्या क्या उन्होंने लोगों का डाटा ले लिया, लोगों की चॉइस वगैरह ले ली, जैसे कि बार हम कोई भी सर्वे वगैरह करते हैं उस तरीके से उन्होंने सर्वे के थ्रू लोगों का डाटा है वो ले लिया, और लोगों के एक तरीके से भावनाओं को समझ लिया कि अच्छा अच्छा लोगों का ये ऐसा सीन है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को डिमांड करते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदेशा जताया गया है कि ये जो डाटा है इसका पॉलिटिशियन वगैरह में कहीं ना कहीं राजनीति में मिसयूज हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसा आरोप पहले लगा था कि ट्रंप ने जब इलेक्शन जीते थे तो उन्होंने भी इस तरीके का कुछ कैंपेन वगैरह चलाया था, और फिर उसके तहत उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था इस ऐप के थ्रू। मतलब एक तरीके से ऐप का मामला ले सकते हो कि ऐप के थ्रू उन्होंने देख लिया कि अच्छा लोगों की ऐसी ऐसी डिमांड है, तो उन्होंने क्यों ना लोगों की भावनाओं को सेंटिमेंट्स का यूज़ करते हुए इलेक्शन में फ़ायदा वो लिया जा सकते हैं। तो ऐसा अभी आरोप लग रहा था, तो उसको लेकर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, एक तो डाटा प्राइवेसी की और एक आती है डेमोक्रेसी की। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं इंडिया के लिए, और इसी बात के ऊपर भी जो मार्क जुगलबर्ग हैं CEO, उन्होंने एक्चुअली माफ़ी भी मांगी है, तो सारा मुद्दा यहाँ पे आता है। इसको लेके सारा पॉइंट है, सारा सीन वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो मैन हमारे लिए चीज़ क्या काम की वो देखते हैं, बाकी पॉलिटिक्स हमारे लिए कोई काम की नहीं है। अब हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या तो स्टेप उठाने हैं। देखो बात ऐसी है सबसे पहले कि एक तो हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेने होगा, और गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे देश में डाटा प्राइवेसी को लेकर कोई स्पेशल एक्ट, मतलब कोई बड़ा कानून नहीं बना है जिसके तहत गवर्नमेंट है वो लगाम लगा सकें। केवल एक कमेटी है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है जस्टिस BN कृष्णा कमेटी। जस्टिस BN कृष्णा कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का प्रावधान ये था कि भाई जो भी डिजिटल डाटा है, डिजिटल लाइब्रेरीज का जो डाटा है, मतलब डाटा प्रोटेक्शन के लिए इस कमेटी का निर्माण हो किया गया था। तो ये UPSC पूछ सकती है प्रीलिम्स के नजरिए से, बाकी आप इसका मेंस में भी कहीं यूज है वो कर सकते हो। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखना कि अभी हमारे देश में डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई इतने स्ट्रॉन्ग रूल वगैरह कुछ है नहीं, तो गवर्नमेंट को अभी पहले से सिक्योर हो जाना चाहिए। अभी देखो ऐसा आरोप लगा कि मतलब USA के अंदर ट्रंप ने इस तरह की चीज़ें उनको अंजाम दिया था, तो क्यों हो सकता है कि अभी अगले साल इंडिया में भी इलेक्शन आने वाला है, तो ऐसी चीज़ों को अंजाम वो दिया जा सकता है। तो इंडिया को पहले से अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल कानून वगैरह वो बनाना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर लगाम लगाना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें वो डिस्कस की गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है SC ST एक्ट के बारे में, तो इस आर्टिकल को भी हम देखने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि भाई SC ST एक्ट है क्या।
सुप्रीम कोर्ट में इस पर वर्डिक्ट भी आया था, तो वो चीज़ें भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हो जाती है। तो एससी एसटी एक्ट को जानने की कोशिश करने में सबसे पहली बात यह है कि एससी एसटी एक्ट में ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के गेस्ट अगर कोई भी ऐसा मतलब मामला आता है कि उसमें उनको एक्चुअली परेशान किया जा रहा है या फिर उनको एक्चुअली कोई आपत्तिजनक शब्द वगैरह बोले जा रहे हैं, तो अगर वो एससी एसटी के कोई भी लोग पर्सन से अगर वो केस फाइल करते हैं तो जिस पर्सन के खिलाफ केस फाइल किया गया है उसको तुरंत गिरफ्तार है वो कर लिया जाता था। ये एक्चुअली एससी एसटी एक्ट था, क्योंकि इनको एक्चुअली देखा जाए तो भेदभाव का इशू था कि भाई जो हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको बढ़ाया जा रहा था, तो इसलिए ये पहले एससी एसटी एक्ट है वो बनाया गया था। बट आजकल आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी एक्ट हो, चाहे वुमेन का हो एक्ट हो या फिर किसी एससी एसटी के लिए एक्ट हो, उन चीज़ों का क्या आजकल मिसयूज ज़्यादा होने लगा है। तो इसकी वजह से क्या कि रियल गवर्नमेंट को नहीं, जुडिशियरी को दिक्कत क्या आती है, जुडिशियरी को ये नहीं पता चल पाता है कि ओरिजिनल केस कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा क्या है, क्योंकि मैक्सिमम केस आजकल क्या है कि लोग फर्जी केसेस फाइल कर देते हैं जिसकी वजह से जो सही आदमी होता है उसको नुकसान झेलना पड़ता है। इवन ये आप वुमेन के केस में भी देख सकते हो और ये मैक्सिमम केसेस है वो आप देख सकते हो एससी एसटी या बाकी और भी एक्ट में, मतलब कहीं ना कहीं जो भी एक्ट बनाया गया है उनका मिसयूज करने की पूरी कोशिश की जाती है। मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही केसों में फर्जी होते हैं, मतलब मैक्सिमम केस आजकल फर्जी के सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी दो तीन दिन पहले अपना वर्डिक्ट वो दिया था और ये कहा कि भाई जो एससी एसटी एक्ट है इस पर वो तुरंत जो गिरफ्तारी होती है, तत्काल गिरफ्तारी होती है, इसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया कि तुरंत गिरफ्तारी वो नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया कि जो एसपी होता है उसकी अनुमति के लिए ही, एसपी की अनुमति उसके लेने के बाद ही गिरफ्तारी वगैरह होगी। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी ने भी केस फाइल कर दिया कि हाँ इस इंसान ने मेरे को आपत्तिजनक वर्ड या कुछ भी ऐसा बोला है तो आप उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दो। सबसे पहले आपको जो एसपी है वहाँ का उसे अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही आप उसको जेल वगैरह में गिरफ्तार वगैरह वो कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बात यह है कि इस पर ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट हो दिया था, तो अब यहाँ पे बात यह आती है कि इसको पुनर्विचार याचिका वो दायर की जाने की बात है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप इस जो एससी एसटी एक्ट को आपने रोकने स्टिल गई है इस पर आप पुनर्विचार वो कीजिए, कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देखो अब सारा मामला वो वोट बैंक का यहाँ पे आ जाता है कि वोट बैंक की जो पार्टी है वो सारा अपना अपना रीजन्स हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट हैं वो सर्व करना चाहते हैं, तो इसलिए सारा मामला वो उठ रहा है। तो जो रीजन था जो एससी एसटी एक्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एससी एसटी एक्ट है वो क्या है और इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है। अब देखो बात ऐसी है, इसके बाद में राइटर को सुझाव भी देने, अपने राइटर अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि देखो एक्ट में चेंजेस वगैरह होने से कोई बुरी बात नहीं है और जो भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो होना चाहिए। इसी के साथ ही आर्टिकल राइटर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन या गलत कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है, गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी तरीके वर्डिक्ट वगैरह कानून लेके आने चाहिए ताकि जो लोग गलत कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाते हैं या मतलब गलत फर्जी केस दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ एक तरीके से बड़े लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को एक तरीके से सबक मिल सके और फ्यूचर में इस तरह के कोई भी स्टेप वो न उठाए। क्योंकि देखो एक्ट बने हैं लोगों की भलाई के लिए, अगर कोई भी एक्ट का मिसयूज करने लगे तो किसी न किसी की प्राइवेसी या किसी न किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसमें अगर हनन हो रहा तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए राइटर के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि भाई जो गलत कंप्लेन होती है तो उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और ऐसा नहीं हो कि एससी और एसटी को डिस्क्रिमिनेट हो वो किया जाए, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कोई कानून वगैरह बनाना चाहिए और जो पहले से कानून है उनमें भी कुछ चेंजेस है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुराने कानूनों को यूं ही छोड़ रहे हो और नए पे नए कानून हो बनाते जा रहे हो, आपको जो पुराने कानून हैं उनमें संशोधन करना चाहिए और उनमें जो कमियां उनको दूर करना चाहिए तभी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। और मेन बात यह आती है कि देखो एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी काफी जरूर हो जाती है कि भाई जो भी केस आया उसके बारे में प्रॉपर जांच करें उसके बाद ही आगे की कार्रवाई वो की जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसको तुरंत बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस इंसान को जेल में डाल दिया जाए, तो वो सारी बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे जो आया हुआ है पावर ग्रिड के बारे में, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि एक तो भाई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और जो लाल हमारे देखा जाए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की बात है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो नए रिसोर्सेज हैं जैसे कि देखा जाए सोलर एनर्जी की बात आती है सबसे ज़्यादा और एक आती है विंड एनर्जी। तो आजकल आपको पता है कि इंडिया में सोलर एनर्जी पर काफ़ी बड़ा फोकस हो किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और इसके साथ विंड एनर्जी है उस पर भी काफ़ी अहम रोल है, गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। ये सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अब हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती क्या है। जो ग्रिड हो गया देखो ग्रिड का मतलब ये होता है कि नेटवर्क का एक जाल। बात ऐसी है कि आप इसको एक एग्जांपल समझ लो, जैसे कि ये यहाँ पे एक कंपनी है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, एक सेकंड, हाँ
हाँ ये सॉरी, ये यहाँ पे एक कंपनी है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। अब ये कंपनी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली लोग देखो, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग है वो कंपनी के पास आसपास ही रहते, तो वो तुरंत वहाँ पे सप्लाई कर देगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो जिन एरियो में रिसोर्सेज होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस वाले एरिया से जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो एक बड़ी हैवी लाइन बिछाई जाती है, लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह लगाए जाते हैं, उसके तहत लाइन यहाँ पर लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक फीडर सर्विस वो लगाई जाती है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म पावर हाउस वो बनाया जाता है, उससे फिर छोटे छोटे एरिया में जो लाइन है वो कनेक्टिविटी सप्लाई है वो की जाती है। तो ये सारा सीन यहाँ पे होता है। तो इस सारी चीज़ को बोलते हैं पावर ग्रिड, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन जाता है, एक नेटवर्क का एक जाल है वो बन जाता है। अब देखो बात क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ कमियाँ आती हैं, कुछ कमियाँ क्या 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 चैलेंजेस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे इस आर्टिकल में। बात ऐसी है कि देखो आज के टाइम पे गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी लोगों को 24/7 बिजली है वो दी जा सके, और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लान है लेके आ रही है। गवर्नमेंट इसके इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुसुम स्कीम भी लेके आई, इसके साथ सौभाग्य स्कीम है, काफ़ी सारी स्कीम्स मतलब गवर्नमेंट लगातार लेके आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना भी लेके आई, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी इन चीज़ों पर फोकस कर रही है ताकि भाई एनर्जी सब लोगों को मिल सके और सभी को इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन मिल सके। बट बात ऐसी है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, बात ऐसी है, देखिए तो जैसे सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, सोलर एनर्जी है वो ऑब्वियसली दिन के लाइट में प्रोड्यूस होती है, और आपको पता है कि जो लाइट की डिमांड है वो मैक्सिमम रात के टाइम पे ज़्यादा होती है। तो ऐसे माहौल में क्या कि सोलर एनर्जी से आप दिन में तो निर्भर डिपेंड हो सकते हो, बट रात के टाइम पे आपको सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसके साथ ही सोलर एनर्जी के जो प्लांट लगाए जाते हैं ना वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि जो इसके लिए बैटरी वगैरह ली जाती हैं या फिर सोलर पैनल होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह में थोड़ा इश्यू इसमें आता है। विंड एनर्जी की बात की जाए तो ये डिपेंड करती है विंड पर कि भाई हवा तेज़ चल रही है, हवा स्लो चल रही है, कैसी चल रही है। तो कई बार क्या होता है कि हवा कम चल रही होती है तो उस वाले एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है तो वहां पे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाती है। तो मतलब नेगेटिव पॉइंट ये आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसे कई बार क्या कि कहीं ना कहीं हमें जो जितना आउटपुट चाहिए होता है उतना आउटपुट में कई बार नहीं मिल पाता है, और ये एक्सपेंसिव भी होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है, क्योंकि भाई इन पे जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। मेंटेनेंस तो खैर कम होता है बट स्टार्टिंग में जो कॉस्ट वो बहुत ज्यादा लग जाती है। इसके साथ ही फिक्स फ्लो का इशू होता है। फिक्स फ्लो वाला इशू मतलब क्या हुआ, जैसे कि दिन में तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी सोलर लाइट से, बट रात को एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो मतलब रात को लाइट ठप हो जाएगी। इधर विंड का देखा जाए तो सुबह शाम तो हवा अच्छी खासी चल रही है तो लोगों को एनर्जी मिल रही है, रात को अगर हवा बंद होगी तो हवा कम मिलेगी, तो मतलब एक तरीके से लाइट तो लोगों को प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या होगा, सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एक दिन तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, दूसरे दिन पता चला कि 2 घंटे बिजली आ रही है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना होगा। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे तो फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट सडनली ऐसा नहीं है कि अभी हम सारी अभी तो देखो हमारे देश में मैक्सिमम एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी कि भाई हम एक साथ फॉसिल फ्यूल्स को हटा दें और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें। हमें धीरे धीरे चेंजेस करना चाहिए और कुछ चीज़ों पर फोकस ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को ही यूज करें। मतलब कैसे कि जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जो कॉन्सेप्ट आता है कि देखो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पावर ग्रिड है वो नहीं पहुँच पाती है क्योंकि वहाँ पे लाइट पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस वाले एरिया में आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हो या फिर विंड एनर्जी है उसका आप यूज़ है वो कर सकते हो। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गैस बेस्ड जो प्लांट होते हैं, मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी होती हैं लाइट के कि जहाँ पे बिजली है वो एक्चुअली गैस के उत्पादन गैस की वजह से प्रोड्यूस की जाती है, मतलब वहाँ पे कोयले वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे दहन करने के लिए गैस का यूज़ हो किया जाता है। तो गैस बेस्ड प्लांट पे फोकस करना चाहिए क्योंकि इससे भी कार्बन एमिशन वो काफी कम होता है। इसके साथ ही राइटर कह रहे हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे देश में स्कोप है उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, मतलब मेन हमें ये देखना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें निर्भर तो होना है बट जहां जितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उस तरह हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही तो उस कंडीशन में फॉसिल फ्यूल के ऊपर फोकस करना चाहिए, और धीरे धीरे हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम पूरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें। तो ये सारे यहाँ पे राइटर के द्वारा कुछ स्टेप दिए गए हैं, इनकी तरफ हमें फोकस करना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक्चुअली आज काफी लेट हो गए हैं तो इसीलिए डिस्कशन को एक आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फेसबुक के डाटा प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन का जो इशू था सारा वो देखा कि क्या तो सारा इशू है और क्या हमें इसके लिए स्टेप है वो उठाने हैं, वो कमेटी हमने देखी। इसके साथ ही हमने SC ST एक्ट देखा और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में जाना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था और अभी क्या वोट बैंक राजनीति चल रही है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही हमने यहाँ पे देखे। इसके साथ ही हमने पावर ग्रिड का जो आर्टिकल था और रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात आती है GS3 के लिए उसके सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये थी हमारी डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।